स्वागत है दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले SI की फिजिकल जिन जिन अभ्यर्थियों का है, सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। मेहनत करिए, समय पर जो है परीक्षा स्थल पर पहुंच जाइए, अपना फिजिकल दीजिए, अपना 100% दीजिए। जितनी आपने पिछले सालों में मेहनत की है, उसका आज रिजल्ट आने का फाइनल दिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी फिजिकल से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती रहेगी, हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहेंगे वीडियोस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो बहुत ही बड़ी खबर है कि नकल विरोधी कानून से भर्ती परीक्षाओं में बढ़ा है प्रदेश के युवाओं का भरोसा। जी हाँ, ये प्रदेश के युवा ही बोल रहे हैं। कौन कौन है, चलिए उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब से नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, तब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग, जो कि उत्तराखंड के दो बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि तमाम भर्तियां कराते हैं उत्तराखंड में, उन पर विश्वास बढ़ा है। पर सवाल यही उठता है, ये जो विश्वास घटा ही क्यों, घटने ही क्यों दिया, ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि आपको विश्वास घटाना पड़ा युवाओं का। ठीक है, चलिए अलग बात है। भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया सक्रिय होने और पेपर लीक से सरकारी नौकरियों में चयन को लेकर युवाओं का विश्वास टूट गया था। लेकिन राज्य में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी थमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों आयोगों ने जो है बढ़ चढ़कर इसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की है। और तमाम जितने भी नकल माफिया हैं जो कि पूरे उत्तराखंड में सक्रिय थे, उन पर नकेल कसने की जो है पूरी कोशिश की गई है, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें पेपर लीक की घटना रोकने के लिए सख्त जो है यहाँ पर नियम है, चाहे वो उम्र कैद को लेकर हो, चाहे वो फिर आपके जो है फाइनेंशियल जो जुर्माना है उसको लेकर। तो इसी सिलसिले में तमाम जो अभी रिसेंट टाइम में सिलेक्टेड हुए हैं, PCS का रिजल्ट आपने देखा होगा आया हुआ है। तो जितने भी आप देख सकते हैं PCS के अभ्यर्थी हैं, मेरा चयन इतने में हुआ है। नकल रोधी, आप देख सकते हैं, नकल रोधी कानून के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं त्वरित और पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। इस कानून ने पात्र और योग्य अभ्यर्थियों को सफल होने की गारंटी दी है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से आता हो। इसी आप देख सकते हैं, तो तमाम जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो है अपनी राय रखी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।